हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड शीतल। तो मैं आ चुकी हूँ वेद वन पार्क में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो उधर, यहाँ पे मैंने पार्क कर दी अपनी स्कूटी एंड इधर की साइड कार पार्किंग भी है। एंट्री के लिए अगर आप एडल्ट हो तो आपको देने हैं 20 रुपये। अगर आपके साथ कोई बच्चा आ रहा है, लाइक 5 से 12 तक के वाले बच्चों के लिए 10 रुपये है। एंट्री करते ही यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा ये जहाँ पे नमोह लिखा हुआ है, यहाँ पे ना एक्टिविटीज़ भी होती हैं। आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी एंड काफ़ी ब्यूटीफुल पार्क है। एंट्री ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगल बगल में आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ देखने को मिलेंगी, बहुत ब्यूटीफुल है। एंड लुक एट द वाटरफॉल, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल लिटरली। क्राउड एट सच नहीं है यहाँ से मैंने एंट्री करी है एंड लिटरली बताऊँ बहुत ज़्यादा सुंदर एरिया है। लेकिन बेस्ट पार्ट यही है, आप लोग देख रहे हो उधर की साइड कितनी अच्छी सारी जितनी भी हाई राइज सोसाइटीज़ होती हैं सब आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिकॉज इट्स रियली अमेजिंग, लाइक हाई राइज सोसाइटी में क्राउड भी अच्छा होता है, वो लोग आते हैं। एंड आज ना मेरे को इतने ज़्यादा लोग नहीं दिखे, लेकिन यहाँ पर ना आप लोग देखोगे तो इनोग्रेशन के टाइम पे जब इनोग्रेशन हुआ था तो हम इस पार्क का इनोग्रेशन करा था आदित्यनाथ योगी जी ने। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड आप यहाँ पे देखिए, इट्स अमेजिंग। यहाँ से ऐसे स्लाइडर है, उधर की साइड वाटरफॉल है एंड लिटरली बहुत अच्छा है। ये है, ये जो है अवेलेबल, आप लोग अगर आना भी चाहते हो तो टाइमिंग ना इसकी बहुत ज़्यादा बेकार है। लाइक मैं 3 दिन आई थी और तीसरे दिन आज आ पाई हूँ। बिकॉज आप लोग ना सोच नहीं सकते, पता है क्या है टाइमिंग का, कि डेली ये वेडनेसडे को ऑफ रहता है। मैं वेडनेसडे आई, ऑफ था। एंड और आज का ये हुआ कि मैं आ गई थी दोपहर में, मैंने सोचा दोपहर में चले जाते हैं, अच्छे से वीडियोस वगैरह बना लेंगे, व्लॉग कर लेंगे, लेकिन नहीं आ पाई। पता चला कि आज ना ये सुबह 5:30 ओपन होता है, 11:30 बजे तक, एंड फिर 4:30 बजे ओपन होता है, कितने बजे, हाँ 8-9 बजे तक। तो ये टाइमिंग है, दोपहर के टाइमिंग ये क्लोज रहता है। तो अगर आप आना भी चाहते हो तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, दोपहर में आ जाओगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये है सेक्टर 79 में। लोकेशन वगैरह आप सबको मैं ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लोकेशन भी मिल जाएगी। काफ़ी सुंदर है, आप देख रहे हो, पास से दिखाती हूँ यार, बहुत सुंदर है लिटरली। यू गाइज कम हियर एंड फील द वाइब, बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। एंड ये ना स्टील से बनाया गया है, देख रहे हो आप लोग, दूर से देखो बहुत सही लगेगा। अब मैं जा रही हूँ वाटरफॉल के पास एंड मेरे को ना बहुत मज़ा आ रहा है। रात में यहाँ पे है ना लाइटिंग शो होता है, तो लाइटिंग शो के लिए ना आप लोग आना, अगर आ भी रहे हो ना शाम के टाइम पे आना, टिकट दे देना। बिकॉज लाइटिंग शो ना यहाँ का बहुत ज़्यादा मस्त है, वो भी दिखाऊंगी। लाइक 6:30 से अगर स्टार्ट भी हो गया तो मैं रुक जाऊँगी, अगर और लेट स्टार्ट हुआ तो मैं नहीं रुक पाऊँगी, 7 बजे तक मैं रुक सकती हूँ, उसके बाद घर भी जाना है। मेरा घर ना ग्रेटर नोएडा में है एंड दूर 1 घंटा तो अप्रॉक्स लगते ही है। तो मैं आप लोगों को वाटरफॉल दिखाती हूँ, यहाँ पर जो बहुत अच्छी वाइब है वाटरफॉल की। एंड यू गाइस रियली लव दिस। एंड यहाँ पे हमारे जितने भी वेद वगैरह हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, लुक एट दिस। सो आगे की साइड आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ना वाटरफॉल है येरा, एंड मतलब यहाँ पे ही होता है लाइटिंग शो, इसके वाटर तो उधर से ही आता है। एंड ऐसे कुछ रिवर टाइप का ये पुल है, यहाँ से मैं चढ़ रही हूँ, लुक एट दिस। एंड दिस इज द वाइब गाइस, इट्स रियली ब्यूटीफुल। लोग ना बहुत ज़्यादा कम आए हैं, लोग इतने ज़्यादा नहीं आए लेकिन लोग कम हैं, लेकिन आप देख रहे हो ना कितना ब्यूटीफुल है, खासकर ये, इट्स अमेजिंग। और ये पानी ना ऐसे करके यहाँ से ऐसे जाया जा रहा है, वाओ बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइस, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना लोग कम हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो अगर आप व्लॉग करने आना चाहते हो, घूमने आना चाहते हो तो आ सकते हो, अभी इतनी भीड़ नहीं है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है आई गेस। यहाँ पे आपको वेदों के बारे में पता लग जाएगा, ये महर्षि अस्त्री की पत्नी दिस, एंड डोंट टच एंड शिट, सो ब्यूटीफुल। ये आप देख रहे हो ना पानी कितना सुंदर है,
मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ही ले। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताना। और यहाँ की ना ये पूरा वेद वन जो है, ये पूरा हमारे जो भी वेद एंड ऋषि है उनको उसके लिए ही बनाया गया है, लाइक उनके बारे में बताने के लिए। हमारा कल्चर क्या है, हमारे जो ऋषि वेद हैं उनसे रिलेटेड है। इसमें ना आप लोगों को योगा आसन एंड ऑल देखने को मिल जाएंगे। लुक एट दिस, ये है योगा आसन वाला पोस्चर। एंड ये भी यहाँ पे कुछ है, मेरे को इसका पता नहीं है, आगे जाके पढ़ के बताती हूँ। काफ़ी सही लग रहा है ये भी। एंड और कुछ नहीं है, मेरे को ऐसे कुछ तो दिखा नहीं। आप उधर की साइड चल, ये सीताराम के महर्षि अस्त्री से भेंट, उसके बारे में बताया गया, आप लोग पढ़ सकते हो। एंड हम इसका देख के आते हैं ये क्या चीज़ है, बिकॉज मैंने पीछे से देखा था और पता भी नहीं चल रहा था। तो ये है, यहाँ पे पढ़ लीजिए। एंड काफ़ी सुंदर है यार, नो डाउट, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। जैसे ही यहाँ पे ना आप पीछे देख रहे हो मेरे बैक साइड में, फाउंटेन ख़त्म होता है। एंड फाउंटेन के उधर की साइड में ना आप लोगों को देखने के मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारी स्टेयर्स हैं। स्टेयर्स इसलिए लगा रखी है वहाँ पे उस एरिया में, बिकॉज यहाँ पे लाइटिंग शो होता है, तो सब लोग ना वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं एंड देन लाइटिंग शो स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पे ना ऐसे दान, वेद दान और वेद के बारे में ना बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी लाइक दिस। एंड इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। ये है कि ये हमारे कल्चर को, हमारे जो ऋषि मुनिया थे उन सबको डेडिकेट करा गया है ये वाला पार्क, कि आप लोग आओ अपने कल्चर को जानो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड जब ये इसका इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हुआ था, लेकिन उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं करा था। तो आप लोग देख सकते हो अगर आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन भी मिल जाएगी, डोंट वरी। एंड चलते हैं, हम और दिखाते हैं इसमें, लुक एट दिस। यहाँ पर ना फाउंटेन बहुत ज़्यादा है, फाउंटेन का बहुत ज़्यादा सही। सो गाइस, ये आपको यहाँ पर, ये मैं दूसरी साइड आ गई हूँ। एंड मेरे पीछे देख रहे हो, अगर आप लोग दोपहर में आते हो, गर्मी लगती है, तो वहाँ पे जाके खड़े हो सकते हो। एंड इधर की साइड, बैक साइड में देखिए, यहाँ पे एक ऋषि मुनि का वो लगाया हुआ है, तो मतलब टेक्सचर टाइप का, वो भी स्टील में है। एंड इधर फाउंटेन है, काफ़ी सही लग रहा है। तो फाउंटेन वहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे ख़त्म है। इधर की साइड आपको बहुत ज़्यादा स्टेयर्स मिल जाएंगी, वही लाइटिंग शो के लिए, बैठने के लिए। तो लाइटिंग शो स्टार्ट होता है इवनिंग में। दिस इज़ द ब्यूटी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो जो फाउंटेन है, उसकी भी थोड़ी थोड़ी छींटें भी आ रही है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक बार सब लोग आना यार, नोएडा में हो तो पक्का आना चाहिए उन लोगों को। एंड ये वाली स्टेयर्स में बात कर रही थी, वहाँ से दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए। मम्मी ये फाउंटेन के इधर, एंड ये री स्टेयर्स, लुक एट दिस। यहाँ पे पीछे की साइड देख रहे हो, दो लुच्छे मेरे पीछा कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है दो पंजाब। पीछे की साइड आप देख रहे हो, यहाँ पे है ना, बैक साइड में आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे स्टेयर्स। लाइटिंग तो होगा, अगर देखती हूँ होगा तो मैं यहीं रह लूँगी। लेट हुआ, 8 बजे स्टार्ट हुआ, तो मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ पे बैक साइड में। ऐसे दिखा देती हूँ ना, ये रही, पास आके दिखाती हूँ। मैं ना थोड़ा स्टेयर पे, सबसे ऊपर वाली पे जाती हूँ एंड फिर आपको ऊपर से पूरा दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। लाइक ऊपर से व्यू कितना अच्छा आ रहा है, देख रहे हो आप सब लोग, बहुत सही व्यूज आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं यार, व्यू आ रहा है। मंदिर है किसका है, पीछे की साइड आप लोग देख रहे हो ना, वहाँ पे लिखा हुआ है मंथन अमृत। आई डोंट नो वो
मेरे को ना इस वेद वन के बारे में पूरा नहीं पता, बिकॉज हम लोग तो कभी, आप लोग जानते हो ऐसी अपब्रिंगिंग होती है स्कूल कॉलेज, कभी है ना हमारे वेद वेद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो ये एक अच्छा, मतलब गवर्नमेंट की साइड से बहुत अच्छा वो है कि हाँ यहाँ पे ना अगर आप कोई भी टूरिस्ट बंदा बाहर से आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है तो उसे एटलीस्ट हमारे कल्चर के बारे में पता लगेगा। तो आप लोग भी देख पाए, देखिए यहाँ पे हमारे जो ऋषि मुनिया हैं ये वाले, यहाँ पे उनका वो बना हुआ है स्टैचू एंड काफ़ी सुंदर लग रहा है। आगे की साइड से दिखाती हूँ थोड़ा। सो गाइज, मैं आपको ना कुछ बताना भूल गई थी कि मेरे को जब एंट्री होती है ना तो आपको जैसे फीस देते हैं तो आपके आपको ना वो एक बैंड देते हैं, लुक एट दिस, इस टाइप का एक बैंड देंगे एंड तभी एंट्री होगी। एंड एक टिकट देंगे, वो फटी हुई देंगे, फाड़ के देंगे कि द्वारा ये टिकट दिखा के एंट्री ना कर ले, तो ऐसा होता है। ये लास्ट लोकेशन है जहाँ पे मैं आई हूँ, जहाँ पे ये वेद के बारे में लिखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ लिखा है ऋग्वेद, पता नहीं कौन कौन से वेद है। सामवेद, अथर्ववेद, इज दैट एनी अदर वेद, ये पूरा लिखा हुआ है वेद के बारे में। वाओ, ये ऋषि अगस्त्य की है पूरा। नाइस यार, बहुत अच्छा है। गई हूँ यहाँ घूमते घूमते और पता नहीं कब स्टार्ट होगा द लाइटिंग शो, तो मैं तो घर जा रही हूँ और मेरे को नहीं पता, लाइटिंग शो कभी और देख लेंगे, अभी तो मैं घर जा। ओ भाई, लाइट जल गई ना। Look at this, it's beautiful. यार मेरे को नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ एंड मैं बहुत थक गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। लाइटिंग शो हम बाद में देखेंगे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड इसके अलावा ना आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो प्लीज़। बस इतना ही, बाय। से ना पी लिख रहा है तो ये पार्किंग के लिए है, तो यहाँ से हम अपनी स्कूटी उठाएंगे एंड इसके बाद घर चले जाएंगे। तो ये स्टार्टिंग में भी दिखाया था मैंने, ये रही हमारी स्कूटी।